पहली एप्लीकेशन है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि स्फेयर डिस्क रिंग तीन बॉडीज इंक्लाइन प्लेन से हमने यहाँ से छोड़ दिया, यूज इक्वल टू जीरो ड्रॉप कर दिया या इसको रिलीज कर दिया, और ये तीनों बॉडीज रोल करती हुई नीचे आ रही हैं, इट इज़ अ केस ऑफ अ रोलिंग। तो आपको ये बताना है कि जब ये नीचे आएगी कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे आएगी, ये क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन है, इससे पहले अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको लॉज ऑफ मोशन में पूछ लूँ और इन केस ऑफ अ स्लाइडिंग पूछ लूँ, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन से ये ऑब्जेक्ट है, मास एम है, थीटा एंगल है और ये नीचे उतर रहा है, तो मान लो एक क्यूब है एक क्यूबॉइड है, दोनों का मास सेम है, एक क्यूब है एक क्यूबॉइड है और स्लाइड करते हुए दोनों नीचे आ रहे हैं, कौन पहले नीचे आएगा? दोनों सेम, ऐसा क्यों? तो फिर रिंग और डिस्क में क्या प्रॉब्लम है? मास सेम है, रेडियस सेम है, चेंज कैसे हो गया? क्योंकि क्योंकि जब ये बॉडी सिर्फ स्लाइड करती है तो एक्सेलेरेशन क्या होती है? जी साइन थीटा। लेकिन जब कोई बॉडी रोल करती है तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है? जी साइन थीटा वन प्लस और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर शेप को रिप्रेजेंट करता है। उसमें सिर्फ मास मैटर करता था, शेप मैटर नहीं करती थी। रोलिंग के अंदर शेप के साथ मास भी मैटर करता है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सभी फिगर्स का डिफरेंट है तो आंसर भी इसमें डिफरेंट है। तो इसलिए जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसको ऐसे किया, यू इज इक्वल टू जीरो, मान लो सबने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्सेलेरेशन आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं और एक्सेलेरेशन किसकी लेंगे? सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन लगा रहे हो, लीनियर मोशन है और लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन में इक्वेशन किस पे लगती है? ओनली ऑन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम निकाल लें, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई, बॉडी जो नीचे आएगी। अब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपके आपके सामने है, आप बस ये बताएं कि आपके पास तीन बॉडीज हैं और तीनों का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिफरेंट है। स्फेयर का 2/5 है, 2/5 क्या होता है? 0.4। डिस्क का क्या होता है? हाफ 0.5 और रिंग का क्या होता है? 1। सबसे पहले कौन नीचे आएगा? जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है उसका टाइम टेकन नीचे आने का कम है। अब एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा होगी? जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ये अपने आप ही ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो टाइम टेकन कम है। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम किसका है? 0.4, यानी कि स्फेयर का। तो स्फेयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम है तो उसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, और अगर एक्सेलेरेशन ज़्यादा है तो टाइम टेकन कम है। रादर आपको ऑब्जेक्टिव में इतना भी नहीं करना, आप एक ही लाइन में ये फॉर्मूला देख लें, जिसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगी उसका समय कम लगेगा, सिंपल है। तो एक्सेलेरेशन किसकी ज़्यादा होगी? जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा इसमें? कम। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम किसका है? सॉलिड स्फेयर का 0.4। तो अगर सॉलिड स्फेयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम है तो एक्सेलेरेशन उसकी ज़्यादा है और सबसे पहले स्फेयर ही नीचे आएगा। तो कैसे आंसर देना समझ में आ रहा है? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, और प्लीज़ इतने लंबे लंबे इक्वेशन से कुछ मत करना, आप बस एक सिंपल कॉमन सेंस लगाना, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की रेशियो से डिसाइड करना। जैसे नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चलो वो तो एक पार्ट था एक्सेलेरेशन का, उसको भी यूज करेंगे साथ साथ।